वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मेरा नाम गगन और आप देख रहे हैं टेक्नो पर राजपूत चैनल को। अगर आप एक व्हाट्सएप यूज़र हो और आप जीवर्स यूज़ करना चाहते हो, जीवर्स के ऊपर शिफ्ट होना चाहते हो, जितने भी न्यू फीचर है, लास्ट सीन हो गया, हाई स्टेटस हो गया और भी काफ़ी सारे ऐसे फीचर है जो हमको व्हाट्सएप में देखने को नहीं मिलती हैं, बट आपको ये नहीं पता कि आपको मैं चैट बैक जितनी बाकी चैट है वो कैसे ट्रांसफर करनी है जीवर्स के ऊपर, क्योंकि जीवर्स के ऊपर कोई गूगल ड्राइव की ऑप्शन तो नहीं होती है। तो आज आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको बिना गूगल ड्राइव से कैसे अपना सारे चैट बैक ट्रांसफर करनी है जीवर्स के ऊपर और जितने भी उसके न्यू फीचर आप यूज़ भी कर सकते हो। आपने बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर क्लिक करा, तो ये वीडियो देखने के बाद आपका 100% चैट बैक ट्रांसफर हो जाएगा जीवर्स के ऊपर। तो आपको मैं पहले बता दूं कि ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशन पर्पस के ऊपर वीडियो है, मैं किसी भी ऐप के बारे में कोई गलत नहीं बता रहा, हर एक बंदे की अपने पे चॉइस है उसको क्या यूज़ करना है। तो ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पर्पस के ऊपर वीडियो है। तो बात करते हैं कि आपको अपना बैकअप कैसे ट्रांसफर करना है जीवर्स के ऊपर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा कि आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान देना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। ये नहीं कि यहाँ पर स्किप कर दिया, आगे जाकर वीडियो देख रहे हो और आपको आगे समझ नहीं आ रहा और आप फिर से पीछे आओ देखने के लिए बट आपको पीछे भी समझ नहीं आ रहा, इसलिए कह रहा हूँ पहले से पूरा वीडियो को अच्छे से देख लो, समझ लो कि मैं क्या कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ। जहाँ पर आपको समझ नहीं आता वहाँ पर वीडियो को पॉज करो, बिल पॉज टैप अपने फोन में अप्लाई करो तो काफ़ी आपको आसानी होगी बैकअप ट्रांसफर करने में। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते चलते सीधे मेन टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले आपको अपना जो व्हाट्सएप है उसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अपना व्हाट्सएप ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर आपको मेरी काफ़ी सारी चैट देखने को मिल जाएगी। तो अब सारे चैट को अब आपको मैं ट्रांसफर करके बताऊंगा जी व्हाट्सएप के अंदर। तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप ओपन हो चुका है, उसके बाद आपको टॉप के ऊपर थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है, देन आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपको चैट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा वीडियो को, क्योंकि यहाँ पर सारा फंडा है, यहीं से आपको पता करना है कि आपको बैकअप कैसे लेना है कैसे करना है, तो यहीं से पहले आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर चैट बैकअप के ऊपर क्लिक करना है, तो जहाँ से आपको ध्यान से देखना कि आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा गूगल अकाउंट के ऊपर आपको यहाँ पर जीमेल देखने को मिल जाएगी। अब आपको इसको रिमूव कैसे करना है कि आपका बैकअप बने और आपका बैकअप आसान से ट्रांसफर भी हो जाए। तो आपको इसको रिमूव कैसे करना है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ऊपर देखने को मिलेगा बैकअप टू गूगल ड्राइव, आपको इसको सिर्फ नेवर कर देना है, बाकी आपको गूगल अकाउंट को कोई छेड़खाड़ नहीं करनी, ठीक है। आपको बस बैकअप टू गूगल ड्राइव नेवर करना है, उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा इंक्लूड वीडियोस, आपको इसको इनेबल करना है जैसे मैंने करके अभी रख दिया है। तो ये सब काम करने के बाद आपको फिर बैकअप लेना है, तो यहाँ पर अपना बैकअप ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा बैकअप है फिनिश हो चुका है, अब आपको क्या करना है, आपको अपना फाइल मैनेजर ओपन करना है। तो जहाँ पर अपना फाइल मैनेजर ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद जाता हूँ अपने इंटरनल स्टोरेज के अंदर। अब आपको चेक करना है कि आपका जो बैकअप है वो कहाँ पर बनता है। तो देखो जो आपका बैकअप है दो जगह ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरी टाइमिंग है वो अभी हो रही है 9:43 या 9:42 के ऊपर मैंने बैकअप लिया हुआ, ठीक है। तो अभी मैंने बैकअप ले लिया, तो टाइमिंग मेरी 9:43 या 9:42 के ऊपर होगी, ठीक है। तो अब आपको चेक करना है कि आपका बैकअप कहाँ पर बनता है। तो देखो बैकअप से दो जगह ही बन पाता है, एक तो एंड्रॉइड के फोल्डर के अंदर, ठीक है, दूसरा नीचे एक व्हाट्सएप का फोल्डर होता है उसके अंदर बनता है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं नीचे एक व्हाट्सएप का फोल्डर, मैं इसको ओपन करता हूं। तो जहां पर मेरा ब्लैंक है, जहां पर मेरा बैकअप देखने को नहीं मिल रहा, इसका मतलब जो मेरा बैकअप जहाँ पर नहीं बन रहा है, बस आपको टाइमिंग मैच करने की टाइमिंग मैच कहाँ पर करती है, ठीक है। जहाँ पर मेरा बैकअप देखने को नहीं मिल रहा है, उसके बाद आपको एंड्रॉइड का फोल्डर ओपन करना है, उसके बाद आपको मीडिया का ओपन करना है, देन आपको com.whatsapp का जहाँ पर देखने को मिलेगा फोल्डर आपको इसको ओपन करना है, देन आपको यहाँ पर व्हाट्सएप का फोल्डर ओपन करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डाटा बेसिस, उसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट की फाइल देखने को मिलेगी जिसकी टाइमिंग है 9:43, मतलब आज के दिन की मतलब फाइल है, आज का दिन मेरा बैकअप बना है। तो 9:43 के ऊपर मैंने बैकअप लिया था, तो मेरी टाइमिंग बिल्कुल सेम है, इसका मतलब जो मेरा बैकअप है एंड्रॉइड के अंदर बन रहा है। बस आपको ये बात का ध्यान, जब आप बैकअप लेते हैं तो आपको ऊपर टाइमिंग देखनी है कि आपका बैकअप कितने बजे हुआ था, और जहाँ पर आपकी टाइमिंग मैच करती है वही आपका रियल बैकअप है। तो देखो मेरा बैकअप तो एंड्रॉइड के अंदर बनता है, तो बेसिकली सभी का एंड्रॉइड के अंदर बनता है, कुछ कुछ फ़ोन होते हैं जिनका व्हाट्सएप के अंदर बनता है, जो काफ़ी ओल्ड फ़ोन होते हैं उनका नीचे व्हाट्सएप के अंदर बनता है, तो जो न्यू फ़ोन है जो लेटेस्ट फ़ोन है उनका बैकअप तो एंड्रॉइड के अंदर ही बनता है। तो अब आपको पता चलेगा कि आपका बैकअप कहाँ पर बनता है। तो ये मेन फंडा था कि आपको पता करना है कि आपका बैकअप कहाँ पर बनता है। तो चलो अब सीधे टॉपिक के ऊपर आते हैं, मेन टॉपिक के ऊपर, कि बैकअप आपको कैसे ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके फ़ोन के अंदर कोई जी व्हाट्सएप का फोल्डर ना हो, तो जैसे मेरे में है, तो जहाँ पर सबसे पहले जहाँ पर मैं दोनों फोल्डर डिलीट कर देता हूँ, जो भी जी व्हाट्सएप का फोल्डर है जहाँ पर मैंने डिलीट कर दिया है, के बाद आपको यहाँ पर जी व्हाट्सएप नेम का एक फोल्डर बनाना है। तो जहाँ पर मैं एक जी व्हाट्सएप नेम का एक फोल्डर बना लेता हूँ, तो जहाँ पर मैं रहता हूँ जी व्हाट्सएप नेम का फोल्डर, तो इस पहले मिस्टेक थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसा मैं लिखूँगा बिल्कुल आपको वैसा लिखना है, स्क्रीनशॉट आप जहाँ पर ले सकते हो, नहीं तो आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर मैं ओके करता हूँ, जहाँ पर मैंने फोल्डर बना दिया,
उसके बाद आपको एंड्रॉयड का फोल्डर ओपन कर लेना है, देन आपको मीडिया का ओपन करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर भी एक फोल्डर बनाना है। तो यहाँ तो उस पहले मिशन बिल्कुल मत करना जैसा मैं लिखा हूँ, बिल्कुल वैसा ही आपको लिखना है। बाकी आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएगा, तो आपको बिल्कुल स्मॉल में लिखना है, कोई स्पेस बिल्कुल नहीं देना। तो जहाँ लिखता हूँ कॉम उसके बाद आपको कॉम डॉट जी व्हाट्सएप का फोटो ओपन करना है, और जहाँ पर भी आपको एक फोटो बनाना है जिसका नेम आपको रखना है जीवी व्हाट्सएप। तो जैसा मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल आपको वैसा ही लिखना है। तो यहाँ पर मेरे फोटो बन चुके हैं। अब आप क्या करना है, जहाँ पर आपका बैकअप बनता है वो ही आपको फोटो ओपन करना है। अगर आपका एंड्रॉयड के अंदर बनता है तो आपको एंड्रॉयड का फोटो ओपन करना है, अगर नीचे व्हाट्सएप का फोटो के अंदर बैकअप बनता है तो आपको व्हाट्सएप का फोटो ओपन करना है। तो मेरे में एंड्रॉयड के अंदर बनता था तो मैं जहाँ पर एंड्रॉयड का फोटो ओपन करता हूँ, उसके बाद आपको जहाँ पर मीडिया का ओपन करना है, देन आपको ओपन करना है कॉम डॉट व्हाट्सएप का फोल्डर, देन व्हाट्सएप, और जहाँ पर आपको सारे फोल्डर सेलेक्ट कर लेने हैं। तो जहाँ पर मैं सारे फोल्डर सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ से करना है कॉपी, देन आपको जाना है इंटरनल स्टोरेज के अंदर, उसके बाद एंड्रॉयड का फोल्डर आपको ओपन करना है, उसके बाद मीडिया, देन कॉम डॉट जी वी व्हाट्सएप, देन जी वी व्हाट्सएप का फोल्डर आपको ओपन करना है और जहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर जो मैं डाटा वो कॉपी हो रहा है, तो जितना बड़ा आपका डाटा होगा तो उतना ही टाइम लगेगा इस कॉपी होने में। तो यहाँ पर जो मैं डाटा है वो कॉपी हो चुका है, तो एक तरफ तो कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया है। उसके बाद आपको बैक आना है, बैक आने के बाद आपको फिर से अपना एंड्रॉयड का फोटो ओपन करना है, देन आपको मीडिया को ओपन करना है, उसके बाद कॉम डॉट व्हाट्सएप, देन व्हाट्सएप, तो सारे फोटो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद जहाँ से आपको करना है कॉपी, उसके बाद जाना आपको इंटरनेशनल के अंदर, नीचे आपने एक फोटो बनाया जिसका नेम आपको रखना है जीवी, तो नीचे आपने एक फोटो बनाया था जिसका नेम था जी व्हाट्सएप, तो वो आपको ओपन कर लेना है, देन आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं सारे फोटो पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पर सारा कॉपी पेस्ट वाला काम हो चुका है। अब अगर फोन के अंदर जी व्हाट्सएप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, डाउनलोड कहाँ से करना है चलो वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना फोन के अंदर ब्राउजर ओपन कर लेना है, तो कोई ब्राउजर आप ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर सर्च करना है जी वी व्हाट्सएप, तो जी व्हाट्सएप डॉट डाउनलोड आपको ये सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ, तो ये एक ऑफिशियल साइट है जी वी व्हाट्सएप की, तो यहाँ पर ओपन हो चुका है। उसके बाद नीचे आपको देखने को मिल जाएगी डाउनलोड की ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो मैं जी व्हाट्सएप है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर जो जी व्हाट्सएप है वो डाउनलोड हो चुका है, उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर मैं जी व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर देता हूँ, तो जहाँ से जी व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर देते हैं, उसके बाद आपको जी व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है, देन आपको यहाँ पर अलो के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपको अपनी जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो आपको मैं फिर से बता दूँ कि आपको जब तक आपके मैसेज ट्रांसफ़र ना हो जाए जी व्हाट्सएप के अंदर, तब तक आपको व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल नहीं करना है। जब आपके डाटा सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा तब आप अनइंस्टॉल कर सकते हो व्हाट्सएप को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एग्री कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, उसके बाद अपना जो फ़ोन नंबर है वो आपको एंटर कर लेना है, उसके बाद आपके फ़ोन के ऊपर OTP आ जाओ आपको एंटर कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अपना OTP एंटर कर लेता हूँ, तो यहाँ पर OTP वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद जो मेरा पिन है वो भी एंटर कर लेता हूँ। तो यार लोग मुझे ना काफ़ी कमेंट करते हैं, DM भी करते हैं कि भाई ये हमारे में पिन क्यों नहीं आ रहा। तो देखो ये मेरे व्हाट्सएप का लॉक पिन, मैंने अपना लॉक लगाया तो इसलिए ये मुझे लॉक शो होता है। अगर आपने लगाया तो ही आपको शो होगा, अगर आपने लॉक नहीं लगाया तो आपको लॉक शो नहीं होगा। ये मेरे व्हाट्सएप का पर्सनल लॉक है, ठीक है। तो जहाँ पर अपना जो लॉक है वो एंटर कर लेता हूँ, तो यहाँ पर सब कुछ वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद जैसे मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, देन अलो करता हूँ, तो जहाँ पर मैं जो बैकअप है फोन कर लिया, तो जहाँ पर मैं रिस्टोर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो सारे मैसेज अब ट्रांसफर होंगे मेरे जीवी व्हाट्सएप के अंदर। तो जहाँ से नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, देन जो नेम है मैंने एंटर करके रखा हुआ, ठीक है। तो जहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और अपना जो पिन है वो एंटर कर लेता हूँ, आपके बिल्कुल सामने है जो मेरे मैसेज है, सारे मैसेज ट्रांसफर हो चुके हैं मेरे जीवी व्हाट्सएप के अंदर। तो आपको बिल्कुल ऐसा ही करना जैसा आपको मैंने करके बताया, ठीक है। तो जहाँ पर सारे मैसेज में ट्रांसफर हो चुके हैं, अब मैं जो मेरा व्हाट्सएप है जहाँ से मैं अनइंस्टॉल कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर देता हूँ क्योंकि मेरे सारे मैसेज ट्रांसफर हो चुके हैं। तो यहाँ पर इसको करता मैं अनइंस्टॉल, तो आप चेक कर सकते हैं, तो जितने मेरे मैसेज थे सारे मैसेज ट्रांसफर हो चुके हैं मेरे जी व्हाट्सएप के अंदर। तो एक बार आपको ओपन करके बता देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा जी व्हाट्सएप, सारे मैसेज आपके बिल्कुल सामने ही है। आई होप आपके वीडियो यूजफुल है, अगर आपके वीडियो यूजफुल है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अगर नहीं मिलते आपको इसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।